और दोस्तों देख रहे हैं फूल का बगीचा, सुंदर सा फूल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो? बहुत दिनों बाद पहाड़ का ब्लॉग बना रहा हूँ, तो पहाड़ का अपडेट दिखाता हूँ मौसम का, तो बने रहे मेरे इस वीडियो पर। तो दोस्तों महाशिवरात्रि पर्व भी कल हो चुका है और आज देख रहे हैं मौसम बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर है। ये पहाड़ियाँ दिखा रहा हूँ पहाड़ों की, और आप होलियाँ भी लग जाएंगी, 20 मार्च से होली है, 26 को छलड़ी है, और देख रहे हैं मॉर्निंग का व्यू मैं दिखा रहा हूँ। और शाम खेत में देख रहे हैं बांस के पेड़ों के बीच में कॉटेज बने हुए हैं अच्छे अच्छे, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पूरा शाम खेत देख रहे हैं आप, कॉटेज ही कॉटेज यहाँ पर हो चुके हैं, बन चुके हैं बांस के पेड़ों के बीच में, और ठंडी ठंडी हवा भी यहाँ पर चल रही है अभी। और ये पुलम के पेड़ हैं देख रहे हैं आप, 14 तारीख को फूल गई है, और देख रहे हैं पुलम के पेड़ों में पीले पीले फूल आने लग गए हैं। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं पूरा शाम के जो है बांस का पेड़ है यहाँ पर, और कॉटेज हैं बीच में देख रहे हैं। ठंडा बहुत होता है यहाँ पर, क्योंकि बांस जहाँ होता है वहाँ ठंड ज़्यादा होती है। और ये है नर्सरी, और मौसम भी यहाँ का सुहावना है अभी, और बहुत चेंज आ चुका है अब शाम खेत में, कॉटेज बन चुके हैं यहाँ पर जगह जगह, ये देख रहे हैं शाम खेत, देख रहे हैं ऊपर कॉटेज बने हुए हैं जंगलों में ये, और प्रकृति का मनमोहक दृश्य दिखा रहा हूँ मैं शाम खेत का आपको, बांस के पेड़ों का ये। और अभी मौसम बिल्कुल ठीक है, ठंडा है थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। और शाम खेत में देख रहे हैं ये फूलों का बगीचा, फूलों की नर्सरी, कितनी सुंदर सुंदर यहाँ पर फूल आए हुए हैं हम देख रहे हैं। ये शाम खेत की फूल की क्यारी बगीचा, शाम खेत के फूल की नर्सरी। तो दोस्तों प्रकृति की सुंदर वादियों के बीच में आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी मिलता हूँ, आपका दिन शुभ रहे।